गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, वी नीड फूड। हमें खाने की जरूरत होती है ना, सारे जन खाना खाते हो? यस और नो? यस, सारा खाना खाते हैं। तो ये खाना कौन कौन सा हमें खाना खाना चाहिए और हम खाना क्यों खाते हैं, ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 21, चैप्टर नंबर 6, वी नीड फूड। अब देखो, ऑल ऑफ अस नीड फूड, हम सबको खाने की जरूरत होती है, यस और नो? यस। वी ईट फूड व्हेन वी आर हंग्री। हम खाना कब खाते हैं? जब हम भूखे होते हैं। क्या कहते हैं, मम्मी भूख लगी है, फटाफट खाना डाल दो, कुछ भी खाने को दे दो, यस और नो? एनी टाइम भूख लगने पर खाना थोड़ी खाते हो आप? नो, कुछ स्नैक्स खा लेते हो, यानी इस तरह से भूख लगने पर हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब ये फूड क्यों खाते हैं हम, पता है? अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, हम बड़े होंगे नहीं। खाना नहीं खाओगे तो आपके किसी तरह का काम आपसे नहीं होता है, आप खेल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अगर खाना नहीं खाओगे तो। दो दिन भूखे रहते हैं, तीसरे दिन आपको कैसे लगता है? बिल्कुल रेस्टलेस, थकान सी महसूस होती है, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन जब आपका पेट भरा हुआ रहता है तब आप क्या मस्त मज़े से खेलते हैं। छोटे बच्चे को भी देख लो, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, अपने घर में कोई छोटा बच्चा होगा, जब वो रोता है तब उसकी मम्मा क्या करती है, उसको भूख लगती है, या तो उसको कुछ खाना खिलाती है या कुछ खिलाती है। यस, यानी छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको खाने की जरूरत रहती है। फूड हमारी हेल्प कैसे करते हैं, हमारी अच्छी सी ग्रोथ एक पर्टिकुलर या सिक्वेंस से करता है। फूड हेल्प अस स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी कौन रखता है? फूड ही रखते हैं। जो हम खाना खाते हैं उससे हम क्या रहते हैं? हेल्दी रहते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी, खाना में क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं, कार्य करने की शक्ति देते हैं। एनर्जी मीन्स ऊर्जा या कार्य करने की शक्ति होता है, जो कार्य करने की शक्ति हमें देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? वर्क एंड प्ले। में देखो, खाना नहीं खाएंगे, जैसे मैंने पहले आपको एग्जाम्पल दिया, खाना नहीं खाएंगे तो हम क्या करेंगे? ना तो कुछ काम कर पाते हैं और ना ही खेल सकते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम बगैर खाने के जिंदा नहीं रह सकते, नहीं रह सकते ना? यस। अब देखो, यहाँ आपके बुक में कुछ है ना, फूड आइटम्स दिए गए हैं जो हम खाते हैं, वो आपको मैं समझाती हूँ अभी। देखो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं और हम कैसे खाते हैं, ठीक है? अब देखो, यस, फ्रूट्स, फल खाते हो आप लोग? यस। वेजिटेबल्स, सब्जियाँ खाते हो? यस। ये क्या है? सीरियल्स, अनाज है जिसका आटा बना के हम रोटियाँ बनाते हैं, गेहूँ, बाजरा, ये सब हम क्या करते हैं, उसका आटा बनाकर रोटियाँ बनाते हैं। नेक्स्ट है बटर, चीज़, घी, ऑयल, ये सारी चीज़ें भी हम यूज़ में लेते हैं ना, यस और नो? नेक्स्ट है पल्सेस, ये जो अलग अलग दालें हैं, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये जो दालें होती हैं ना, इन्हें पल्सेस कहते हैं। नेक्स्ट है थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से बनने वाली अलग अलग चीज़ें, बटर है, कर्ड यानी दही है, आइसक्रीम है, मिठाइयाँ हैं, ये सारी किससे बनती है? दूध से बनती है। दिस थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क, ये सारी वस्तुएं मिल्क से बनती है। नेक्स्ट है एग्स, मीट एंड फिश,
अंडे, मांस और मछली, ये सारे भी खाने के लिए यूज़ में लेते हैं। और लास्ट एंड बेस्ट वाटर, अगर हम वाटर नहीं पिएंगे तो हम जो खाना खाते वो डाइजेस्ट नहीं होगा। कहते देखो फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, यस और नो? फ्रूट्स खाते हैं हम लोग, इसमें आपको नर्सरी में एक पोएम थी जिसमें आपको कहा गया है कि एक एप्पल रोज खाओगे तो, या एक एप्पल डेली खाओगे तो आपके पास डॉक्टर नहीं आएगा, यानी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। यस, वन एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एक एप्पल रोज खा लोगे तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो देखो यहाँ तक मैंने आपको रीड करवा दिया है, डिस्कस हो गया अपना। अब मैं आपको ये चैप्टर, आपके रीडिंग स्किल अच्छी करने के लिए हम क्या करेंगे, चैप्टर रीड करेंगे। यस, रीड करते वक्त आपको जैसे पहले हम लोगों ने रीड किया था वन बाय वन, आपको भी वर्ड मेरे साथ रीड करना है। तो अब हम अपना जो चैप्टर है वो रीड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ देखो, चैप्टर सिक्स, वी नीड फूड। ओके, यस एवरीबडी ओपन योर बुक, पेज नंबर 21, पेज नंबर 21। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर रीड करेंगे। ए डबल एल ऑल ओ एफ ऑफ यू एस एस एन डबल ई डी नीड एफ डबल ओ डी फूड, ऑल ऑफ अस नीड फूड। सबको किसकी ज़रूरत रहती है, खाने की ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट डब्ल्यू ई वी ई ए टी ईट एफ डबल ओ डी फूड डब्ल्यू एच ई एन वैन डब्ल्यू ई वी ए आर ई आर एच यू एन जी आर वाई हंग्री। We eat food when we are hungry. जब हम भूखे रहते हैं तब हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट लाइन, F double O D food H E L P S helps U S us T O two G R O W grow W E double L well, food helps us to grow well। फूड के खाने से, फूड की हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे जो वृद्धि है, जो हमारा विकास है वो सही तरीके से होता है। नेक्स्ट F double O D food H E L P S helps U S us T O two S T A Y stay H E A L T H Y healthy, ठीक है? अब देखो food helps us to stay healthy, खाना हमें क्या करता है, हमें स्वस्थ रहने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट F double O D food G I V E S gives U S us E N E R G Y energy T O two P L A Y play A N D and W O R K work. Food gives us energy to play and work. Food हमें क्या करते हैं, शरीर में कार्य करने की शक्ति देता है या फिर एनर्जी ऊर्जा देता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं और काम कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। वी डब्ल्यू ई वी सी ए एन एन ओ टी कैन नॉट एल आई वी ई लाइव डब्ल्यू आई टी एच ओ यू टी विदाउट एफ डबल ओ डी फूड। वी
cannot live without food. हम खाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते. This is true. Yes. खाना अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम जिंदा रहेंगे क्या? No. खाने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते. Next. H-E-R-E. Here. A-R-E-R. T-H-E. The. D-I-F-F-E-R-E-N-T. Different. K-I-N-D-S. Kinds. O-F. Of. H-E-A-L-T-H-Y. Healthy. F-O-O-D. Food. S-T-U-F-F-S. Stuffs. W-E-V-E-A-T. Eat. Here are the different kinds of healthy foodstuffs we eat. यहाँ पे कुछ आपको healthy food सामग्री दी हुई है, खाने की वस्तुएं दी हुई है जो हम क्या करते हैं, healthy रहने के लिए खाते हैं. आज मैंने जहाँ तक आपको chapter समझाया है वो chapter मैंने, yes, our chapter is complete. आपको क्या करना पता है, SW ये चैप्टर जो है वो आपको रीड करना है, चैप्टर 6 पेज नंबर 21 रीड. ओके, एंड भी कर लो, रीड चैप्टर 6 पेज नंबर 21. ओके, ये एंड भी कर लो ताकि आप है ना जिस तरह से मैंने आपको भी रीडिंग करवाई हो आप रीड कर सकते. ओके, नेक्स्ट ग्रेड में चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों.